गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SCF एंड LCM क्लास 4। आज मैं आप लोगों को SCF और LCM रिकैप बताने जा रही हूँ। हम लोग SCF और LCM देख चुके हैं, आज मैं आप लोगों को रिकैप बताऊँगी। ओके, SCF फैक्टर्स कॉमन टू टू और मोर नंबर्स आर नोन एज द कॉमन फैक्टर ऑफ दूज नंबर्स। यहाँ बोल रहा है SCF का दो या दो से अधिक नंबर्स वाले कॉमन फैक्टर को उन नंबर्स के कॉमन फैक्टर के रूप में जाना जाता है। दो या दो से अधिक नंबर जो होते हैं उसे हम लोग कॉमन फैक्टर के रूप में जानते हैं। ओके, फाइंडिंग SCF ऑफ टू और मोर नंबर्स, फाइंड आउट करना है हम लोगों को SCF दो या दो से अधिक नंबर्स। मेथड फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड को देखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। मेथड वन, बाय लिस्टिंग फैक्टर, ये फैक्टर्स आज हम लोग लिस्टिंग फैक्टर्स वाले देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द SCF ऑफ 16 एंड 36। हम लोग लिस्टिंग फैक्टर में देखेंगे 16 और 36 का फैक्टर। हम लोग दो मेथड पढ़ चुके हैं, दो मेथड आज हम लोग अभी फर्स्ट मेथड देखेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे। ओके, फर्स्ट मेथड में है लिस्टिंग फैक्टर, हम लोग लिस्टिंग फैक्टर से कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द SCF ऑफ 16 एंड 36। सॉल्यूशन, फैक्टर ऑफ 16 एंड 36। सबसे पहले हम लोग 16 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 16, 1, 16 किस किस फैक्टर में आता है, तो 1 में, 2, 4, 8 एंड 16। ये 3 में नहीं आता है क्योंकि 3 से ये 16 नहीं कटेगा। ओके, 5 में भी नहीं आता है, तो ये इतने फैक्टर आते हैं 16 का। उसके बाद फैक्टर ऑफ 36, 36 किस किस फैक्टर में आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो 30 के हैं, जो कि ये सब डिवाइड होकर के कट जाते हैं, जिसमें हम लोग का रिमाइंडर नहीं बचता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो मैंने यहाँ से सर्किल किया हुआ है कॉमन फैक्टर को, यहाँ पे 1 हमारा दोनों में है, दोनों कॉमन हो गया, 2 भी दोनों में है, 4 भी हमारा दोनों में है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। द कॉमन फैक्टर आर 1, 2 एंड 4। देयरफोर SCF ऑफ 16 एंड 36। बोल रहा है SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, इसमें 4 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 16 एंड 36 का, 4। ओके, क्वेश्चन 2, एग्जांपल 12 एंड 16। अब हम लोग 12 और 16 का निकालेंगे, ठीक वैसे ही हम लोग निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 12 किस किस में आता है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 में आता है। 16 1 में आता है, 2 में, 4, 8 एंड लास्ट 16 कटता है 16 से, ये हमारे 12 और 16 का फैक्टर है। इसमें कॉमन फैक्टर ऑफ 12, ये कॉमन इसमें कौन कौन फैक्टर है, तो मैंने सबको सर्किल किया हुआ है कौन कौन से कॉमन है, तो 1 है, 2 है एंड लास्ट हमारा 4 है। SCF इसमें क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कौन सा है इसमें तीनों में, 4 है, तो 4 हो जाएगा, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, मेथड 2, बाय कॉमन डिवीजन मेथड, अब हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड में बनाएंगे, डिवीजन मेथड में। फाइंड SCF ऑफ 18, 24 एंड 54, इसको हम लोग LCM मेथड से बनाएंगे, डिवीजन मेथड से। ओके, SCF 18, 24, 54। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किसके टेबल से कटता है, तो सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग टेबल लेंगे, ठीक है, सबसे छोटा टेबल, तो हमारा लिस्ट टेबल कौन सा है, 2 है, 2 से 18 कटेगा 9 बार में, 24 2 से 12 बार में कटेगा, और 54 यानी कि 2 के टेबल में 54 27 बार में आता है। ओके, तो 27 हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग फिर 3 से इसको कट करेंगे, 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, और 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है। ओके, ये कट गया, अब हमारा 3, 4, 9 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, एक्सेप्टेड 1 को छोड़कर। ओके, ये हमारा 3, 4, 9 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सो स्टॉप डिवाइडिंग हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे डिवाइडिंग को, और इसका SCF क्या हो जाएगा, 2 और 3 होगा, तो 2 × 3 = 6। ओके, ये हमारा SCF है डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन 2, 12, 18, 44, इसका भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, 12 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में ये तीनों डिवाइड हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 9 = 18, और 2 2 = 4, और 2 1 = 2, 21 आता है, 42 से हम काटेंगे 42 को, तो 21 आता है। अब 3 के टेबल से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 2 3 = 9, 3 7 =
21 ये कट गया। लास्ट में हमारा 237 ये किसी की टेबल से नहीं कटेगा, ये तीनों अलग अलग टेबल हो गए हैं। तो एस सी एफ ऑफ 12 18 और 44 का क्या आता है, सॉरी 42 का क्या आता है, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, इसका भी हमारा क्या आता है, 6 आता है। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। LCM, the least common multiple of two or more number is the least number that is a multiple of each of the number. यहाँ बोल रहा है दो या दो से अधिक numbers में से कम numbers, sorry, कम से कम LCM सबसे कम numbers हैं जो प्रत्येक numbers में से कई है, इसमें कई numbers होंगे जो प्रत्येक number में से हैं, every number में से कई numbers होंगे, okay, LCM। इसमें सबसे पहले ये कॉमन लिस्ट मल्टीपल्स, जो सबसे कॉमन मल्टीपल्स मल्टीप्लाई होता है उसे हम लोग कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है, लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। यहाँ है दीज आर डिफरेंट वेज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, हम लोग एलसीएम को दो या दो से अधिक नंबर्स वाले एलसीएम को डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीके से हम लोग बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड में बनाएंगे एलसीएम, लिस्टिंग मेथड सॉरी लिस्टिंग मल्टीपल्स में, सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग मल्टीपल्स में बनाएंगे टेबल में। क्वेश्चन एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8, 4, 6 और 8 का एलसीएम हम लोग बनाएंगे। सॉल्यूशन द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 4 का टेबल हम लोग करेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ... नाउ द मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल हम लोग वैसे ही निकालेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 34, 36, 42 एंड 48, ... द मल्टीपल ऑफ 8, इसके आगे भी है हम लोग .. लिख देंगे, द मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48, हमारा ये है 8 का मल्टीपल, ओके। उसको कॉमन मल्टीपल आर, इसमें कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, मैंने रेड से टिक किया है, 4 में 24 है और यहाँ पे भी 24 है, ओके, 6 में भी 24 है और 8 के भी टेबल में 24 है, कॉमन तीनों में आ रहे हैं तो 24। उसके बाद 48 4 में भी है, 48 6 में भी है, 48 8 में भी है, तीनों हो गए कॉमन मल्टीपल, तीनों में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 24 एंड 28। दीज कॉमन मल्टीपल 24 इज़ द लिस्ट, इसमें 24 क्या होगा, लिस्ट होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, ओके, 24। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 होगा। नाउ सेकेंड मेथड बाय कॉमन डिवीजन मेथड, अब हम लोग डिवीजन मेथड से इसको बनाएंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 40 ये किसके टेबल से कटेगा वो हम लोग देखेंगे। 12, 16, 40 2 के टेबल से 12 कट जाता है 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8, 16 8 टाइम्स में कटता है, 2 के टेबल में 40 20 टाइम्स में कटता है, ओके। फिर हम लोग देखेंगे 2 के टेबल में 6, 8, 20 किसके टेबल से कटता है, तो 2 के टेबल में 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में कटता है, 2 के टेबल में 4 8 टाइम्स, 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में। अब है 3, 4, 10 ये 2 के टेबल से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 वैसे ही के वैसे हम नोट कर देंगे। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में और 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में। अब हमारा नीचे जो है वो लास्ट है 3, 2, 5 ये तीनों अलग अलग टेबल हो गए हैं तो ये किसी टेबल से नहीं कटेगा तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। सो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 40 12, 16 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24, 24×2 = इतना। उसके बाद हम लोग लास्ट में इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 240, इसका कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 240, ये हमारा एलसीएम है, ओके। ये हमारा एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद डिजेबिलिटी रूल्स, अब हम लोग डिजेबिलिटी रूल्स देखेंगे कैसे हम लोग डिजेबिलिटी बनाएं। डिजेबिलिटी अ नंबर इज डिजिबल बाय 2 इफ इट लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर दैट इज द नंबर इन इज 0, 2, 4, 6 और 8। यहाँ बोल रहा है कि एक नंबर का डिजेबिलिटी 2 का डिजेबिलिटी क्या होगा, जिसके लास्ट डिजिट में इवन नंबर हो दैट इज नंबर एंड क्या होगा 0, 2, 4, 6 एंड 8। 2 का डिजेबिलिटी होगा जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 है और 8 है, जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा वही हमारा 2 का डिजेबिलिटी होगा। हम लोग बगैर डिवाइड किए हुए हम लोग देख सकते हैं कैसे डिजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 6 है, 28 है, 36 है, 58 है, 142 है, सॉरी 148 है एंड 294 है, आर डिजिबल आर ऑल डिजिबल बाय 2।
टू का डिजेबल हम लोग सब देख ले रहे हैं, सबके लास्ट में हमारा इवन नंबर है, तो ये टू का डिजेबिलिटी। ओके, थ्री की डिजेबिलिटी को हम लोग कैसे देखेंगे? अ नंबर इज डिजेबल बाय थ्री इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिजेबल बाय थ्री। थ्री के डिजिबल को हम लोग देखेंगे जो दिए हुए नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, उसको सम करेंगे। ओके, तो ये हमारा डिजिबल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 36 है, ओके 36 को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, 3 + 6 9, ये 9 यानी कि 3 से कट जा रहा है। 108 वैसे ही हम लोग करेंगे, ऐड करेंगे तीनों तो 9 आ रहा है, ये भी 3 से हो जा रहा है। तो 3 के डिजिबिलिटी को हम लोग जान गए कि कैसे करेंगे। 3 के डिजिबिलिटी को हम लोग देखेंगे दिए हुए नंबर्स जो भी रहेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे और देखेंगे क्या वो 3 का डिजिबल है, तो बस हम लोग बना लेंगे। इसके बाद 5 के डिजिबिलिटी को देखेंगे। अ नंबर इज डिजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट इट्स वन प्लेस इज 0 और 5। 5 के डिजिबिलिटी को हम लोग देखेंगे कैसे, जिसके लास्ट में सॉरी जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 हो। ओके, 5 के डिजिबल को हम लोग देखेंगे जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 होगा वो हमारा 5 का डिजिबल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कैसे, सबके लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो हमारा 5 का डिजिबल है। ओके, डिजिबिलिटी बाय 6, 6 के डिजिबिलिटी को हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए ऑल नंबर्स डिजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिजिबल बाय 6। यहाँ बोला है सारे नंबर्स जो 2 और 3 से डिजिबल है बाय 6, तो वो क्या हो जाएगा, 6 का डिजिबल होगा। ओके, जो 2 और 3 से डिजिबल होंगे वो हमारा क्या होगा, 6 का डिजिबल होगा। इन अदर वर्ड्स अ नंबर विल बी डिजिबल बाय 6 इफ इट वंस डिजिट इज इवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट इज डिजिबल बाय 3। यहाँ बोल रहा है कि अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर हो और उसको ऐड करेंगे तो वो सम अगर ऐड करेंगे तो वो 3 से डिजिबल हो जाएगा, तो वो हमारा 6 का डिजिबल है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 18, जिसके लास्ट में इवन नंबर है, अगर इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारा 3 का डिजिबल हो रहा है, तो ये हमारा 6 का डिजिबल होगा। ओके, 2 के डिजिबल को देखेंगे और 3 के डिजिबल को देखेंगे तो वो हमारा पता चल जाएगा कि वो हमारा 6 का डिजिबल है। 2 का डिजिबल हम आपको बताए थे जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, और 3 का डिजिबल जिसमें हम लोग प्लस करेंगे, तो जो 2 और 3 से डिजिबल होंगे वही हमारा 6 से भी डिजिबल होगा। अब देखेंगे हम लोग डिजिबिलिटी बाय 9, 9 का डिजिबिलिटी कैसे देखेंगे। अ नंबर इज डिजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिजिबल बाय 9। 9 का डिजिबिलिटी का नंबर हम लोग देखेंगे, दिए हुए नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करने के बाद वो डिजिबल हो रहा है 9 से तो वो हमारा डिजिबिलिटी होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 45 को हम लोग ऐड करेंगे, 9 से कट रहा है तो ये हमारा 9 का डिजिबल है। 378 इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अगर वो डिजिबल हो रहा है 9 से तो वो हो जाएगा 9 का डिजिबल। उसके बाद 10 की डिजिबिलिटी को हम लोग देखेंगे, अ नंबर इज डिजिबल बाय 10 इफ़ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0। 10 के डिजिबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, इसके वंस प्लेस पे 0 होगा तो हमारा 10 का डिजिबिलिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 है 70, जिसके वंस प्लेस पे 0 होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 का डिजिबल होगा। ये एक्सरसाइज ई है, ये आपको बनाना है, एंड एक्सरसाइज ई का सेकंड क्वेश्चन ये भी आपको बनाना है, उसी से रिलेटेड है। डेट्स ऑल एवरीबॉडी।